खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सदर थाना पुलिस ने लोहे की पाइपों से लैस होकर खेत में घुसकर मारपीट करने के प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूर्व में पुलिस इस प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं जांच अधिकारी SI गुरपरन सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को भूपेंद्र कुमार ने पर्चा बयान के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह और उसका चचेरा भाई प्रदीप खेत में पानी की बारी लगा रहे थे और उसी दौरान 6 अज्ञात व्यक्ति लोहे की पाइपों से लैस होकर खेत में घुसे और उससे और उसके चचेरे भाई प्रदीप के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। अब इस प्रकरण में फरार आरोपी कृष्णलाल और दीपक को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। इससे पहले तीन लड़कों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेसी करवा दिया गया है। उन्हीं कड़ी में से ये दो लड़के जो शेष बचे हुए थे, एक का नाम है सीपी और कृष्णलाल सनक पृथ्वीराज जाति बाजीगर निवासी वार्ड नंबर 7 सुन्नावन, और इसका साथी जो है दीपक रूप दीप्पू सन भंवरलाल जाति नायक निवासी वार्ड नंबर 7 सुन्नावन, इसको परसों मुखर की इतला पे हम दस्तयाब कर कल गिरफ्तार किया है।